हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी मुरादें पूरी हों। और आज की वीडियो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए होने वाली है। देखते हैं जेमिनी साल के पहले महीने में आपके पार्टनर की आपको लेके क्या एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन मोड में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है और आपके पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, तो देखते हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेके क्या एनर्जी है और आपको लेके क्या एनर्जी है। क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? तो फ्रेंड्स, एक जनरल प्रिडिक्शन है, जितनी आपके साथ मैच करे उतनी रखिए, बाकी जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक करके आइए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे आइए। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है। तो चलिए जेमिनीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपको लेके क्या एनर्जी है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जेमिनी, जिस पर्सन को माइंड में रख के ये वीडियो देख रहे हैं, वो पर्सन इस टाइम पे जेमिनी के लिए क्या एनर्जी रखता है। टेन ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। जेमिनी के पर्सन की एनर्जी जेमिनी के लिए क्या है? द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल, दोनों में कहीं कोई मेल नहीं लगता। प्लीज यू एंड गाइड कीजिए। जेमिनीज के पर्सन की एनर्जी जेमिनीज के लिए क्या है? बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ सॉर्ड्स का है। ये एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेके है जेमिनीज, और थर्ड पार्टी के लिए भी निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। गाइड कीजिए जेमिनीज के पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए इस टाइम पे क्या है। जेमिनीज के पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए इस समय क्या है? प्लीज यून गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंट्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो है वो मजिशियन की एनर्जी है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है जेमिनीज आप ही से करते हैं। आप जिस पर्सन के साथ में या जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सेपरेशन मोड में हैं, पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी है। एक सिक्योरिटी उन्होंने हमेशा आपके साथ में फील की है, एक फैमिली जैसा आपके लिए हमेशा फील किया है। आपके साथ उन्हें रहना हमेशा अच्छा लगा है, हमेशा खुशी दी है, लेकिन इस टाइम पे काफी अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की बात बंद हो इस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर बात होती है तो वो झगड़े में तब्दील हो जाती है। मिक्स मैच नहीं हो रही है आपकी बातें, जबकि उनकी फीलिंग जो है आपके साथ में काफी अच्छी रही। ये भी हो सकता है जेमिनीज के आप किसी फैमिली पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, वो इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ में हो और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में एक चूज कर लिया है, जो उनका गोल रहा होगा या एक पर्सन को उन्होंने चूज कर लिया है, वो अब इस रिलेशनशिप में एक तरफ होना चाहते हैं। ये भी हो सकता है जेमिनी कि वो आपको चूज कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी के जो कार्ड हैं वो कुछ और ही कहते हैं, इसलिए मैंने ये चीज कही। बट सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों की अगर बात होती होगी तो वो कहीं ना कहीं तब्दील हो जाती होगी बहस में, कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी की कुछ बातें आप बोले जा रहे हैं, कहे आप कुछ रहे हैं, दूसरा उस चीज को समझ किसी और तरीके से रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक आपके पर्सन की एनर्जी जैसे कहीं पे वो सेटिंग के मूड में नहीं जा रहे हैं, चीजें जो हैं वो सही करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। एक अकेलापन जो है जेमिनीज इस समय आपके पर्सन जो है महसूस कर रहे हैं, और ये भी मैं कहूं कि वो एक तरह से वो अपने आप में रहना चाहते हैं।
एक सेल्फ अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, अपने आप में कुछ चीजें सीख रहे हैं। रिलेशनशिप से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक अन इंटरनल फीलिंग होती है। आप कहेंगे कि वो फैमिली में भी हैं और अकेले हैं तो कैसे हैं। देखिए, हम कितनी बार ऐसा होता है कि कहते हैं ना, भीड़ में भी हम कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो ये उनकी फीलिंग है। अपने आप से बहुत सारी चीजें वो सीखना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कहीं कुछ ट्रबल है। वैल्यूएबल रिलेशनशिप नहीं है उनके पास। अगर आप कहें कि मेरे साथ यानी कि आपके साथ, तो हाँ, वो एक सिक्योरिटी फील करते थे, डेफिनेटली ये अच्छी बात है, खुशी महसूस करते थे, बट इस टाइम पे अकेले हैं और फोकस कर रहे हैं कि एक किसी चीज पर, एक पर्सन को वो चुन लें या एक सिचुएशन को वो चुन लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जेमिनीज, आपके पास सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या है। जेमिनीज, कभी कभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी कभी होता है कि हमेशा दूसरी तरफ कोई पर्सन नहीं होगा। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, करियर हो सकता है या फैमिली हो सकती है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में अगर आप ये कहें कि कोई लव रिलेशनशिप, तो उससे इतना ज्यादा फोकस उनका उस पर नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे करियर की तरफ ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अब अपने करियर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि रिलेशनशिप में आप भले ही हो, लेकिन आपका फोकस जो है रिलेशनशिप पे उतना ज्यादा नहीं है। वर्क कर रहे हैं अगर उधर भी है, काम पे भी फोकस है, रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप भी उतना अच्छा उनका नहीं चल रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ में। ये बिल्कुल उस टाइप का रिश्ता है कि अगर आप एक शेर को अपने घर में पाल लो और उसको साधना चाहो तो। लेकिन ये भी सच है कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप का जो एक पत्ता है, एक होल्ड है, वो आप ही के पर्सन के हाथ में है। उसमें वो चाहे यस कहें या नो कहें, ये उनकी मर्जी है। थोड़े से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ट्रिकी होते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि रिश्तों को वो अपने मतलब से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये थर्ड पार्टी के लिए है, आपके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए अपने हिसाब से वो थर्ड पार्टी को इस टाइम पे आपके पर्सन चला रहे हैं, जैसा उनका मन कर रहा है। जेमिनीज, एक कार्ड निकालते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन लेंगे और डिवाइन एक्चुअल आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेमिनीज, आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सारी चीजें सही कर देंगे, बट आपको उनके ऊपर विश्वास करना होगा। आपके, जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है अपनी इनर अवेकनिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहते हैं, अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हैं। रिलेशनशिप पे उतना ज्यादा फोकस उनका मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए और आगे वो अपने हिसाब से जैसे भी चीजें वर्क करेंगी उसको सही करने की वो कोशिश करेंगे। आपको विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जेमिनीज कि आप उन पे विश्वास कीजिए, वो आपके साथ में आगे कहीं ना कहीं कोई एक्शन जरूर लेंगे। थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं आपके पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है। प्लीज रिमाइंड गाइड कीजिए। देखिए, यहाँ दो कार्ड निकले हैं तो मैं यहाँ दो कार्ड ले लूंगी। दोनों कार्ड जो हैं थोड़े अपने आप में एक तरह से थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं। फाइटिंग हो रही है, यानी कि मैंने जैसे आपको कहा, यहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में थोड़े से ट्रिकी हो रखे हैं। उसको अपने तरीके से वो डील करने की सोच रहे हैं, उसको अपने तरीके से होल्ड कर रहे हैं। यहाँ दो चीजें हैं थर्ड पार्टी के साथ। मे बी पॉसिबल कि आप किसी फैमिली पर्सन के साथ में, मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, तो काफी चीजों में वो जकड़े हुए हैं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड पार्टी को लेके, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मे बी पॉसिबल थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, जॉब हो, करियर हो, उसमें काफी हद तक उन्होंने अपने आप को जकड़ रखा है। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं
थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, या मैंने कहा कि फैमिली पर्सन हो सकते हैं, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, तो एक फीलिंग भी उनकी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्शन उनका हो सकता है। एक अच्छा एक्शन कहूंगी यहाँ पे, या तो उनकी मैरिज तय हो चुकी है तो वो शादी करने के लिए जा रहे हैं, या फिर अगर मैरिड हैं तो अपने, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी थी जॉब करियर, शायद अपनी फैमिली को ही सही करने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए ही वो काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कह रहे हैं, खुला छोड़ दीजिए आपके रिलेशनशिप में, मुझे कहीं पर भी आपके पर्सन जो है वो बंधे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ में कुछ मुद्दों पर वो बंधे हुए हैं। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं कि क्या हो सकती है आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, जेमिनीज के लिए क्या गाइडेंस है। जेमिनीज, अपने आप को आपको मूव करना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए अपने, अपनी लाइफ की, अपनी। कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, ऐसा नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आपको किस तरह का लाइफ चाहिए, जिस तरह की आपको लाइफ चाहिए। अगर कोई रिश्ता आपके लिए बंधन बंध रहा है या किसी भी तरीके से आपको परेशान कर रहा है, आपकी ग्रोथ रोक रहा है, तो उस रिश्ते को छोड़कर आपको आगे जाना चाहिए। डिवाइन की आपके लिए यही गाइडेंस है। इंजॉय कीजिए, उस ईश्वर पे विश्वास रखिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में है तो उनकी मर्जी से है, नहीं है तो भी उन्हीं की मर्जी है, उस चीज को आपको अपनाना चाहिए। एक कार्ड निकालते हैं और आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है, जिस पर्सन को आपने माइंड में रख के ये पूरी वीडियो देखी है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए उस पर्सन का एक्शन। देखिए फिलहाल उनका कोई एक्शन नहीं है, मून का कार्ड है, थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, आपके पर्सन फिलहाल उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो आपको अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पर्सन जा चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो या ग्रोथ रुक रही है, तो डिवाइन की गाइडेंस है कि एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए, और उस शुरुआत के साथ में डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, और नए साल में कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे काफी कंफ्यूजन में है। मुझे यहां से वो निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी में काफी डीपली वो इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, तो आप अपने बारे में सोचिए और एक बार इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वैसे टाइम एक सा नहीं रहता है, एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी वापस आने की नहीं है, काफी कंफ्यूजन में है, दो लोगों के बीच में बहस हो रही होगी आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन जो है आपको रिलेशनशिप से हटे हुए नजर आ रहे होंगे। आपके रिश्ते से हटे हैं तो जरूरी नहीं है कि, जैसा कि कार्ड बता रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी में भी बड़े डीपली घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी उनका करियर भी हो सकता है, और इस टाइम पे आपके पर्सन जो है अपने करियर पे ज्यादा फोकस्ड हैं। तो एक छोटी सी रीडिंग थी जेमिनीज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं। प्लीज चेक किए बिना व्हाट्सएप पे मत आइए और कॉल मत करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।